सुबह के 7 बज रही है और मैं थोड़ा जल्दी बीच पे आ गया हूँ। अपने होटल वाले बीच को छोड़ के मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। है तो ये होटल वाली लेन में ही, लेकिन ये थोड़ा सा बीच तो नहीं है, मतलब बीच ही है लेकिन छोटी सी एरिया है, ये दिखाता हूँ आपको भी। और यहाँ पे जो मेन 3 बीचेस हैं, एक तो ग्रोव बीच है, एक है कोलम बीच, एक है कोलम बीच, एक है ग्रोव बीच, और इसके अलावा भी देखें कितना सुंदर पानी है पीछे मेरे, बहुत ही साफ सुथरा बीच है, नीट एंड क्लीन जैसे आप बोल सकते हैं, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है बीचेस पे, अगर आप कहीं भी जाएं बीच देखने के लिए तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ जाएं और बीचेस पे जाएं, क्योंकि एक तो सनराइज़ देखने का मौका बहुत अच्छा होता है और सुबह की जो हवाएं और मौसम होता है वो भी बहुत प्यारा होता है। अब वहाँ से मैं चलकर आया हूँ अभी, और ये कुछ इस तरीके से है। ये रोड कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली, उस पार ग्रोव बीच है जो कि एक और फेमस बीच है, और यहाँ से करीबन कोमलम बीच 3 किलोमीटर पड़ता है। बीचेस है वहाँ भी आप जा सकते हैं, बाकी यहाँ प्रॉपर्टी में आप रिलैक्स करिए तो ज़्यादा बेटर है। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये एरिया, और त्रिवेंद्रम सिटी आप घूम सकते हैं अगर आप यहाँ पे आए हैं तो, वो भी जा सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट स्टेशन वो होने वाली है LPP बैकवाटर्स, और उसके बाद ये ट्रिप जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। 9 दिन का कुल ये ट्रिप रहा हमारा केरला का, और बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। अगर आप आते हैं तो कोशिश करिए सब डेस्टिनेशन ज़रूर जाइए, क्योंकि सब डेस्टिनेशन अपने आप में एक अलग है, चाहे वो कोलम हो, चाहे वो मुन्नार हो, चाहे वो थेकड़ी हो, चाहे वो कोचीन हो, बहुत बढ़िया है केरला, मिक्स्ड है। जहाँ आपको थोड़ी सी हिल स्टेशन टाइप वाली फीलिंग आएगी, वहाँ पे आपको इतने सुंदर बीचेस भी मिलेंगे। तो जहाँ आप 8-9 दिन हॉलीडेज़ के अगर स्पेंड करने हो इंडिया में, तो केरला इज़ अ मस्ट प्लेस, आपको आना चाहिए यहाँ पे। अगर आप केरला आए तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी ज़रूर पीजिए, चाय का ग्लास खत्म हो चुका है, अब बारी यहाँ पे कॉफ़ी की। कॉफ़ी पीता हूँ आपको बता, बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी है, बहुत ही बड़ी। तो यहाँ पे आए केरला तो ध्यान जरूर रखिए कि केरला में चाय कॉफी जरूर पीजिए। मेरे पीछे बहुत तेज आवाज आ रही है, शायद मेरी आवाज को भी दबा दी है, बट ये जो लहरों की आवाज है ना गाइस, इसको पाने के लिए मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ भाई। ये जो पल है ना, इसको एंजॉय करो, अपने घर से निकलो बाहर, कभी मौका मिले आपको आने का, कभी चांस मिले तो आइए जरूर, मौका मत गवाइए, क्योंकि ये जो पल है दोबारा नहीं मिलेगा लाइफ में आपको। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मौका मिलता है, और आप उनमें से लोग हैं, और ये आप लोग की सपोर्ट की है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ और इस सुंदर पल को एंजॉय कर रहा हूँ। धूप बहुत तेज़ है त्रिवेंद्रम में, बट यहाँ पे आना मेरा जो मकसद था, जिसके लिए मुझे आना था, जिस चीज़ के लिए मुझे आना था, जिस चीज़ को आप लोगों को जो चीज़ दिखानी थी, छुट्टी दिखानी थी, बहुत बढ़िया है। इंडिया में भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हो। ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जिसको मैं लग्जरी नहीं मानता, ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जो मैं खर्च नहीं मानता, ट्रैवलिंग एक इन्वेस्टमेंट है। जितना आप इसमें पैसा डालेंगे कहीं ना कहीं इसको आपका रिटर्न आपको मिलता है। रिटर्न किस वे में मिलता है? रिटर्न इस वे में मिलता है कि आपको ये सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, उन नहरों की आवाज़ें सुनने को मिलती है, एक आप अपने आप को एक टाइम दे सकते हो, अपने आप के बारे में एक सेल्फ अपने आप में ये क्या पता कर सकते हो कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, एक यहाँ कहते हैं एक नई शुरुआत दे सकते हो अपनी लाइफ को। और जब भी कोई नई जगह जाते हैं, चाहे वो केरला हो, चाहे कोई भी हो, कहीं क्या हो, अच्छा लगता है। और मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि ट्रैवलिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों ट्रैवलिंग ज़रूरी है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, इट्स गुड। और ये चैनल जो है ये मेरा नहीं है दोस्तों, सब आप लोगों का भी है, सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कमेंट्स बेझिझक कीजिए, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपको अच्छा लगे, कोई भी चीज़ हो, मेरा ईमेल आईडी मैंने नीचे दे रखा है, आप उसको भी जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी आपको लगता हो आप प्लीज़ वहाँ जाइए और चैनल पे
चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल इस पल को एंजॉय करते हैं और अब आपसे मिलेंगे हम टूर पे। त्रिवेंद्रम का हम सीटी टूर लेंगे और दो एक बीचेस और जाएंगे। तो आपसे हम इस वक्त आ गए हैं वर्ण स्वामी मंदिर में और पीछे आप देख सकते हो ये मेरा मंदिर, इस तरफ आपको दिखेगा ये, और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। अब आपको मंदिर दिखाते हैं। केरला बैंक है ये है मंदिर, फेमस मंदिर है। अंदर कैमरा फोन कुछ भी अलाउड नहीं है, आपने यहाँ पे डिपॉजिट देना पड़ता है, प्लस नीचे आपको इस तरह की लुंगी धोती पहन के जानी पड़ती है अगर आप कैपरी में है तो। अगर आप जींस में है तो जींस खोलनी पड़ेगी, फिर पूरी धोती पहननी पड़ेगी। बहुत बढ़िया मंदिर है हिस्टोरिकली भी और इंडिया के कल्चर को जानने के लिए भी। साउथ इंड का सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है, आप यहाँ ज़रूर आइए। और यहाँ पे जो डिपॉजिट आप करेंगे उससे कुछ चार्जेस है मिनिमम, हर तरह की प्राइस है। कैमरे के अलग चार्जेस हैं और बैग्स के अलग चार्जेस हैं, मोबाइल के अलग चार्जेस हैं, मंदिर के कोई एंट्री टिकट नहीं। थैंक यू सो मच। और जी ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था कि वहाँ से हमारी एंट्रेंस थी। और ये बेसिकली प्रॉपर्टी तीन पोर्शंस में है, पहला पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये वाला, यहाँ पे रहते हैं लोग, और तीसरा एक पीछे और है। और तीनों की अलग अलग स्विमिंग पूल है, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन और थर्ड वन आ गए। अब भैया हमने इससे पूछा कि प्लेइंग कार्ड रूम्स का और ये वगैरह वगैरह क्या है, तो उन्होंने कहा कि थर्ड बिल्डिंग में, मतलब कि हमें थर्ड बिल्डिंग क्रॉस करनी पड़ेगी, बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है। इधर ये डेंटल क्लिनिक है और ये है ब्यूटी एंड स्पा, ब्यूटी पार्लर का बना रखा है, और इधर ये स्पा का है। और इसके बाद ये हमें बिल्डिंग क्रॉस करके पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ प्लेइंग कार्ड रूम्स वह आएगा। ये इधर रेस्टोरेंट है इधर, और इधर ये बार है। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, और ये फर्स्ट स्विमिंग पूल है, उसके बाद एक और है आगे और एक पीछे है, तो और ये एंट्रेंस है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत, आई थिंक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में पहली बार ही हम रहने आए हैं, और काफ़ी बड़ी है, बहुत वास्ट प्रॉपर्टी है ये। इस प्रॉपर्टी को ही घूमने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, काफ़ी अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, और अच्छी प्रॉपर्टी है जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो यहाँ आप आके रह सकते हैं फ्रेंड्स के साथ आ जाइए, खाली इस प्रॉपर्टी में भी आओगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, खाली यहीं रह लो दो तीन दिन और वापस चल जाओ। फिलहाल तो समय हो चुका है हमारा कोवलम बीच जाने का, और अभी चलते हैं, 4:35 हो चुके हैं, फटाफट जाते हैं नहीं तो सनसेट हम चूक जाएंगे। कोवलम बीच जाते हैं और वहाँ से आपसे बात करते हैं। कोवलम बीच आ गए हम, ये देखिए कितना सुंदर है ये बीच। द बेस्ट पार्ट इज कि काफ़ी क्लीन है, इतनी पब्लिक होने के बाद भी बहुत क्लीन बीच है ये देखिए आप, और पूरा उस साइड तक जा रहा है ये, काफ़ी क्लीन बीच है। और ये हमारे होटल से काफ़ी पास है एक्चुअली, 1.5 किलोमीटर है। ये जो चीज़ आती है हमारे होटल के बीच में भी आती है, वहाँ से दिखते आए पॉइंट, ब्यूटीफुल। दिस इज कोवलम बीच, ये कोवलम बीच आ गए हैं त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट के, त्रिवेंद्रम कैपिटल के। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सुथरा है। मास्क यहाँ पे पहन के रखना है ज़रूरी है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और पानी भी बहुत साफ़ सुथरा है, इसके क्या ही कहने पानी के। बहुत प्यारा ये बीच है, और थोड़ा सा हम देखते हैं आगे जाते हैं, यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और आपको। No boating. बहुत सुंदर ये बीच है, चारों तरफ आप देख सकते हो पानी का वेव्स, तो यहाँ पे भी तेज ही है, मतलब सब तो ये तेज ही होगा ऑब्वियसली। ये है कोवलम बीच पूरा, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं और ये समुद्र। ये पब्लिक बीच है, काफी भीड़ है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, और हम चलते चलते बीच के दूसरे साइड आए तो हमने क्या देखा, लाइट हाउस तो इधर है भाई साहब, और ये बीच का दूसरा पार्ट कह लो या कह लो कि बीच कंटिन्यूएशन में तो है नहीं, लेकिन यहाँ से कटा हुआ था। ये देखिए हम उधर से आए, ये देखिए वहां से कहीं, बहुत बड़ा बीच है भाई, बहुत बड़ा बीच है देखिए, और ये लोकल पीपल खूब है यहाँ पे, बोरा लाइट हाउस। और जहाँ तक साफ सुथरा का सवाल है तो हाँ बीच साफ सुथरा है, काफ़ी साफ सुथरा है नो डाउट। कुछ इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पे, उधर के यहाँ से हम आए थे, अब आप देख चुके हो। और ये पतंग उड़ाते हुए बीच पे मजा आ रहा है। आप ये मकर संक्रांति को एंजॉय करिए और पतंग उड़ाइए।
और जब तक ये वीडियो आएगा तो मकर संक्रांति हम जा रहे हैं बोटिंग करने, बोटिंग का से छोटा सा ट्रिप ले रहे हैं, स्पीड बोट में जा रहे हैं क्योंकि हमें डिस्काउंट रेट पर ऑफर मिल गया, फटाफट चलते हैं बोटिंग क्योंकि अभी अभी टूरिस्ट कम है इसलिए मुझे डिस्काउंट रेट पर मिल गया हमें चार जनों के। इसने पहले 2000 बोले, फिर 1000 बोले और हम 900 पे आ गए, तो इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया जाए, कुछ और नहीं तो बोटिंग कर ली जाए। तो फटाफट से अब चलते हैं, लाइफ जैकेट पहनते हैं और फिर दिखाएंगे आपको वही सुंदर नज़ारे। ये मैं टॉप द रॉक आ चुके हैं और यहाँ से व्यू जो है ना बहुत शानदार है। देखिए पीछे कितना शानदार व्यू है, जो उस साइड है वो समुद्र बीच है और इस टाइम हम कोलम बीच के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और आके वाकई मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए, ये पूरा कोलम बीच देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मैं अभी एक वॉच टावर है, इस वॉच टावर के पैरेलल में इस रॉक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ सिर्फ आपको ये व्यू दिखाने के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक व्यू है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना, आ रहा है ना मज़ा। इसकी फोटोज़ मैं डालूंगा इंस्टा पे, आपको फॉलो करना है। और बाकी नज़ारे देखिए जनाब, क्या बोलूँ आपको, देखो पूरा कैमरा 360 डिग्री घुमा दिया मैंने। इसी के साथ आज का हमारा सेकंड डे कोलम में ख़त्म होता है, त्रिवेंद्रम ख़त्म होता है, कल है हमारा लास्ट डे। 7 दिन इस ट्रिप के ख़त्म हो चुके हैं, पता ही लगा कैसे हफ्ता भर निकल गया। केरला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपको, कभी वापस मिलेंगे, कल के दिन क्या करेंगे हम एक्टिविटी बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और ऐसे हम सपोर्ट करते रहिए। और अभी हम डिनर करने आए हैं रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट नेम विंटेज, विंटेज। नाउ ही विल टेल यू अबाउट विंटेज रेस्टोरेंट। विंटेज रेस्टोरेंट दिस वाज लॉन्ग इयर्स इज ओपन बट आफ्टर द लॉकडाउन जस्ट ओपन इट फ्यू वीक्स अगो, नाउ इज गेटिंग कमिंग अप स्लोली एंड विद ऑल योर सपोर्ट, विद ऑल योर सपोर्ट यू नीड द रिकमेंडेशन टू गो अप। ओके, खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, एकदम पक्का है। द एक्सपीरियंस पीपल शेयरिंग विद यू हाउ अबाउट योर मील एंड सर्विस एवरीथिंग, इट विल बी 100%। लोकेशन एट त्रिवेंद्रम, लोकेशन नियरली नियर कोवलम बीच, नियरली 100 meters 150 meters फ्रॉम हियर टू कोवलम बीच इंटरनेशनल। एंड स्पेशलिटी और स्पेशल मेन्यू, एनी बुफे वुफे प्रोवाइडिंग? Yeah, we have the special only the vegetarian, only 100% pure veg service we are doing here. Okay. No non-veg, no anything else. Okay. And the service and the atmosphere. Yeah. Baka. So atmosphere to bahut acha aur servicing bahut achi hai inki. Your good name sir? My name is Jacob officially. Okay. Yeah. Nice to meet you. Aapse mujhe bahut acha laga aur main to aise food ka bahut woh hoon. थैंक यू सो मच। मैं तो जाना चाहता हूँ ना, फूड वाले ज्यादा लेता हूँ, फूड का बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखे तो ये जो लोकेशन बताई, रेस्टोरेंट बताई, आप प्लीज आइए। कोवलम जंक्शन से, कोवलम जंक्शन से टेक ऑन द बीच रोड, 100 मीटर्स फ्रॉम बीच रोड टू दिस लोकेशन एंड सेम फार फ्रॉम हियर टू द कोवलम इंटरनेशनल बीच। बिल्कुल, तो यहाँ पक्का से आइए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जयपुर जब आए तो प्लीज, ठीक है, इज माय विजिटिंग कार्ड, ओके, एंड यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद दिस this number, okay, definitely, 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 thank you so much, definitely.